लिखिएगा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट We have already studied that electric power is equal to work done by electric current. Work done by electric current upon time taken. According to the law of conservation of energy, according to the law of conservation of energy, work done by electric current is equal to electric energy consumed. Work done by electric current is equal to electric energy consumed. Therefore, power is equal to power is equal to electric energy upon time taken. Electric energy is equal to पावर इंटू टाइम टेकन. तो अगर मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर है और टाइम टेकन है कि कितनी देर के लिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलता है, हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कितनी देर के लिए यूज करते हैं. तो अगर हमारे पास पावर दे रखी है उसकी और टाइम टेकन दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगा. ठीक है, ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक नोट करिएगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें लिखिएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आर. Commercial unit of electrical energy is kilo watt hour. kWh. याद रखना, कुछ बच्चे इसको किलो वॉट पर आवर लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा. याद रखना किलो वॉट आवर का मतलब क्या है, कि पावर शुड बी इन किलो वॉट एंड टाइम शुड बी इन आवर्स. इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम टेकन. तो पावर को अगर मैं किलोवाट में ले लूं और टाइम को अगर मैं सेकंड में ना लेकर आवर्स में ले लूं,
और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कमर्शियल यूनिट आ जाएगी। अब कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट क्या है कि वो यूनिट जिसके बदले में हमको पैसा देना पड़ता है, इसीलिए उसको हम कमर्शियल बोलते हैं। ठीक है, कमर्शियल इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद मनी, विच इज एसोसिएटेड विद सम अमाउंट। तो हम जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, मान लीजिए हमने 25 किलोवाट आवर यूज करा एक मंथ में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम ये बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है वो 25 यूनिट्स का हुआ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है कि बिजली की दर मतलब रेट, बिजली की दर कितनी है, 6 रुपए यूनिट या 7 रुपए यूनिट। ठीक है, तो वो जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह में या कहीं पर भी टीवी वगैरह में ये न्यूज़ आती है उसमें हम देखते हैं, तो उसी तरीके से अगर वो बोलते हैं 6 रुपए पर यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर के लिए आपको 6 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। देखिए हाँ, ₹220। रिलेशन बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल। किलो वॉट आर और जूल में रिलेशन क्या है? हम ये कहते हैं 1 किलो वॉट आर है अगर, ठीक है, तो जैसे जैसे मान लीजिए स्पीड की हम बात करेंगे और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, इससे कोरिलेट करके वो कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस, मान लीजिए 5 मीटर हम चले और कितनी देर में चले, मान लीजिए 2 सेकंड में, तो 5/2 क्या हो गया, 2.5, और ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, डिवाइड हो गया। ठीक है, और जो ये साइन जो इसकी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स भी आपस में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से जैसे 1 किलोवाट आर है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया कि पावर 1 किलोवाट है, और 1 आवर का मतलब क्या हो गया कि टाइम 1 आवर है। पावर इंटू टाइम करूंगा तो एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्या है, पावर इंटू टाइम, तो 1 किलोवाट आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर, क्योंकि 1 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 5 और 2 डिवाइड हो गए थे ऐसे 1 1 में मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, और किलो वॉट आर में मल्टीप्लाई होकर kWh हो जाएगा, किलो वॉट आर। समझ गए? अब वो कह रहे हैं कि आपको रिलेशन निकालना है किलो वॉट आर में और जूल में। एनर्जी जो है, एनर्जी पावर इंटू टाइम टेकन ही होता है एनर्जी का फॉर्मूला, लेकिन एनर्जी की यूनिट जो है, जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, जूल। तो एसआई यूनिट जूल कब होगी? वो तब होगी जब मैं पावर को एसआई यूनिट में रखूंगा और टाइम को भी एसआई यूनिट में रखूंगा। 1 किलो वॉट को अगर कन्वर्ट कर दें किसमें, वॉट में, वॉट होती है एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगा, 1000 वॉट। ये तो समझ गए होंगे। ऐसे ही आर को सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड। समझ गए कि नहीं? तो अब ये वॉट एक्सक्यूज में आ मी गया सर, टाइम। हाँ जी बताइए। सो ये 1 किलो वॉट और 1000 वॉट में कैसे हो गए, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, जब भी कभी किलो आता है ना, तो जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ऐसे ही 1 किलो वॉट में कितने वॉट होंगे, 1000 वॉट। किलो जहां पर भी आएगा, अगर किलो हटाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ऐसे ही 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होंगे। समझ गए? ठीक यस है, तो ये तो 1000 वॉट हो गया। ऐसे ही आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 यानी कि 3600 हो गया। बोलो, समझ गए? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 के आगे 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोल देते हैं। तो इसको लिखो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, समझ गए? हाँ, अगर मैं 36 लिखता तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 जूल लिख देता मैं। 36 × 10 की पावर 5 लिखो या 3.6 × 10 की पावर 6 लिख दो, एक ही बात है, ऐसी मर्जी है। आप चाहो तो इसको 36 × 10 की पावर 5 लिख दो। भाई मैंने उसको 36 को एक पॉइंट लगा दिया इधर, जब एक पॉइंट लगाया तो इसका मतलब क्या है कि उधर एक जीरो भी बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर 5 का बढ़कर 10 की पावर 6 हो गया। तो 1 किलोवाट आर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के इक्वल है। बताइए क्लियर है कि नहीं? तो यस हम सृष्टि, दिव्यांशी, दिशा, बताइए क्लियर है? ठीक सर, यस सर, है। अच्छा चलिए जी, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स। रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स फुल स्टॉप, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स, अब रेडियो सेट है और उसकी जो पावर है वो हमें दे रखी है 60 वॉट्स, तो P इज इक्वल टू 60 वॉट। और टाइम कितना दे रखा है, 50 आवर्स। ठीक है, तो ये जो 60 वॉट है वो पूछ रहे हैं हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर में ही निकालते हैं जनरली, ठीक है? तो अब जैसे हमें 60 वॉट दे रखा है तो इस वॉट को किलोवॉट में कन्वर्ट करो। क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू एच में आना चाहिए, यानी कि पावर आनी चाहिए किलोवॉट में और टाइम आना चाहिए आर में। दो टाइम तो आर्स में दे रखा है, पावर वॉट में है, इसको किलोवॉट में कैसे निकालें? जैसे किलोवॉट को वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसे ही वॉट को किलोवॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60/1000 किलोवाट। तो 10 से 10 कट गया, तो इसको अभी 6/100 किलोवाट ही बोल दो बस। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहे हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन, पावर होना चाहिए किलो वाट में, वो हमने कर लिया, 6/100 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है, 50, 0 से 0 कट गया, 5 2 10 और 2 3 6, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 3 किलो वाट आर। कई बार वो पूछ सकते हैं आपसे कि हाउ मच यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो 3 किलो वाट है, आर है, आप क्या बोलेंगे, 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, समझ गए? चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या जी, क्या याद रहता है? हाँ तो कोई बात नहीं, अब पढ़ा भी तो रहे हैं, उसमें भी याद रहता है। एक टीचर से ज्यादा दिमाग तो स्टूडेंट्स में होता है, टीचर को तो एक ही सब्जेक्ट याद रखना पड़ता है, आपको तो सारे सब्जेक्ट करने।
तो आपका काम तो हमसे भी ज्यादा टफ है, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, सोच कर देखो। हाँ ऐसे तो सबको अब अलग अलग तरीके के काम होते हैं, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो फिजिकल स्ट्रेस से ज्यादा, मुझे तो ज्यादा मुश्किल लगता है मेंटल वर्क फिजिकल वर्क से ज्यादा। स्ट्रेस ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो हम कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट हमको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ना डर लगता रहता है कैसे होगा कैसे होगा, पेपर आता जा रहा है कैसे होगा। अब वो जो स्ट्रेस है ना, वो जब बार 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 दिमाग में लगता रहता है, उसी से थोड़ी सी थकान तो उसी से होने लगती है। और जब वो सब्जेक्ट आप कर लेंगे, जब कर लेंगे तब थोड़ा सा आपको ये लगता है कि जैसे कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है, कुछ अच्छा सा लग रहा है। तो वो अच्छा सा लगना यही है कि स्ट्रेस दूर हो गया। आज भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना SST, मुझे बड़ा डर लगता था SST से, मैं रट्टा लगाता था, मैं फिर भूल जाता था, याद ही नहीं होता था, मुझे पता नहीं मैं कैसे कैसे पास हो गया उसमें। ठीक है, अभी आज भी कई बार ऐसा होता है कि रात में सपना आता है और सपने में आता है कि SST का पेपर है कल, और मुझे कुछ नहीं आता, और मुझे कुछ नहीं आता। तो कई बार बचपन में जो कई चीजों का डर बैठ जाता है ना दिमाग में, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है, और वो डर आपको कभी भी परेशान कर देता है। तो एग्जाम से ज्यादा हमें किसी चीज से डर लगता ही नहीं है। किससे? अच्छा, मम्मी डांटती है या पिटाई करती है? डांट तो डांट से ज्यादा परेशान हो जाते हो तुम? तो डांटता तो मैं भी हूँ, कभी परेशान तो लगे नहीं, फर्क है। ओके ओके, वो अच्छा, मम्मी के ताने ज्यादा ज्यादा लंबे चल जाते होंगे। इसको लगता होगा ना कि मेरा तो चलो कोई बात नहीं, इसे 1 घंटे में होना है जो कुछ होना है, वहां तो पूरे दिन भर वही चलेगा। हाँ चलिए अगला देखिएगा। अगला है, अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब। करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फुल स्टॉप। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सो हेडलाइट के बाद क्या लिखा है? अभी बता रहा हूं, बल्ब BULB बल्ब, ओके सर, कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक कार की हेडलाइट का बल्ब है और उसमें 4 एम्पियर का करंट जो है वो 10 मिनट के लिए फ्लो करता है। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम? इस टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है? देखिएगा, करंट ऑफ 4 एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितना है 4 एम्पियर, और हेडलाइट में जो बैटरी है उसका कितना वोल्टेज है 12 वोल्ट, और जो टाइम है, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। ठीक है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम? तो पहले आप ये देखिए, पहले तो पावर चाहिए, तो वोल्टेज और करंट है, तो वी और आई दे रखा है, तो पावर कैसे निकालेंगे? E is equal to V into I, तो 12 4 48, ये हो गया 48 क्या वॉट्स। अब आपकी मर्जी है कि चाहे आप इसको देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर ये तो लिखा हुआ नहीं है ना कि वो आपको जो एनर्जी है वो किलो वॉट आर में ही निकालनी है, आप जूल में भी निकाल सकते हैं, तो जूल में निकाल सकते हैं तो पावर को वॉट में ही रहने दो। ऐसे ही जो ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में भी कहीं लिखा नहीं था कि आपको कमर्शियल यूनिट निकालनी है। तो अगर आपकी 3 किलोवाट आर आई है, वैसे ये भी ठीक है, इसमें भी फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको जूल में निकालना चाहते हैं तो
1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आर में कितने जूल्स हैं? 3.6 × 10^6, तो 3 × 3.6 × 10^6 कर दो, वो रिजल्ट आपका जूल में आ जाएगा। अब जब मुझे दिखाई दे रहा है कि पावर है 48 वॉट्स और टाइम कितना है 10 मिनट्स, मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 × 60 कितना हो गया? 600 सेकंड्स। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 48 और टाइम कितना है 600, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48, 4 4 24 और 4 28, 2 8 00 क्या जूल, 2 8 00 जूल, ये हो गया। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, किलोवाट आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना कर लिया, ये सफिशियंट है। बताइए समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है कि नहीं? यस सर, अमन, निशा, सभी को क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, क्या हाँ हाँ फॉर्चून से, हाँ तुम्हारा दोस्त था खास, आयुष, छोटी सी हाइट का आयुष त्यागी, उसका मैसेज आया था उन्हीं दिनों, तब बड़ी सर्दियां चल रही थी, हिंदी में लिखकर भेजा था कि सर मुझे आते हुए बहुत ठंडी ठंड लगती है, तो मैं अब से नहीं आ रहा, ये मैं अब से नहीं आ रहा, आ आके आगे आ का डंडा, रह के आगे आ का डंडा, आ रहा, ये लिखकर भेज दिया था। कौन? आयुष त्यागी? नहीं, वो फॉर्चून नहीं, ब्लू मून में रहता था, ब्लू मून में हो गया होगा, मुझे पता नहीं, हाँ फॉर्चून वाले में जानते नहीं, आयुष बड़ा कॉमन नेम है। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी इसके साथ ध्रुव के साथ बड़ी खास दोस्ती हो गई थी। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई अ 5 एम्पियर करंट कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाई अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohms for 30 minutes. Energy transferred by a 5 ampere current. ठीक है, तो करंट है 5 ampere. फ्लोइंग थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ 2 ohms, तो रेसिस्टेंस दे रखा है 2 ohms और टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। आप क्या करिए, आई और आर है ना, तो पावर कैसे निकालोगे? पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हमने पावर के 4 फॉर्मूले देखे थे, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू आई, डब्ल्यू अपॉन टी, तो आई और आर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब आई स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना, 25 × 2 कितना हो गया 50 वॉट। इसको किलो वॉट में अगर कन्वर्ट करना हो तो 50/1000 किलो वॉट। ऐसे ही जो टाइम है, टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई, 30 × 60 कितना हो गया 1800,
एक मिनट, सॉरी, मिनट को आर में करना है ना, तो डिवाइड होगा, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 30/60, 1/2 क्या आर्स, अरे एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा एनर्जी क्या हो गई, ओवर इनटू टाइम टेकन, ओवर है, अच्छा यहाँ से जीरो से जीरो कट गया, 5/100 इनटू 1/2, ठीक है। तो क्या हो गया, 2.5, 5/2, 2.5/100 यानी कि 0.025 किलोवाट आर, 0.025 किलोवाट आर, समझ गए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 350 वॉट्स ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे, ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। First up, calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. To operate it for a month of 30 days. Full stop. The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour. A refrigerator having a power rating of 350 watt operates for 10 hours a day. और एक refrigerator की power rating है 350 watts. तो power कितनी हो गई? 350 वॉट, इतनी तो पावर वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। और एक दिन में कितने कितने टाइम तक चलता है वो? 10 आवर्स। तो वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। एक दिन में 10 घंटे चलता है तो 30 डेज में कितना चलेगा? एक दिन में 10 घंटे चलता है तो 30 डेज में कितना चलेगा? 10 × 30 यानी कि 300 आवर्स हो गया। ये बताइए, ये समझ में आ गया कि नहीं? टाइम, टोटल टाइम, यस सर, है ना।
ये तब की बात है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब ना दिन में 10 घंटे की लाइट आती थी, ये तब की बात है। तो इसका मतलब बाकी के जो 14 घंटे हैं वो 14 घंटे रेफ्रिजरेटर बंद रहता था। तो इससे क्या था, इससे फायदा ही फायदा होता था, लोगों का फायदा होता था कि भाई 10 घंटे लाइट खर्च हो रही है तो बाकी 14 घंटे का पैसे बच गया ना, तो ये फायदा था। ठीक है, तो वो फायदे की बात हो रही है यहाँ पर कि 350 वॉट, अरे बड़े फायदे थे। पहले ये होता था ना कि जैसे एक रोड से दूसरी रोड तक जा रहे हैं और वहां पर लूट वगैरह हो रही है, तो अब क्या, अब लूट बंद हो गई तो अब लोग रातों में भी निकलते हैं, रातों में निकलते हैं तो पेट्रोल का खर्चा होता है, पहले लोग रातों में नहीं निकलते थे तो वो खर्चा बचता था, हम लोग निकलते रात को ही अब जा रहे निकलते हैं, हैं। काम हाँ नहीं मिलेगा। चलिए, तो 350 वॉट और टाइम हो गया 300 आवर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे ये वॉट है ना, तो मैं इसको किलो वॉट में कन्वर्ट करूंगा कैसे, 350/1000, तो ये हो गया किलो वॉट। ठीक है, असल में क्या है ना कि पुरानी पहले की लिखी हुई है, मजाक नहीं कर रहा, पहले की लिखी हुई है, तो पहले लाइट वाकई में बहुत कम आती थी, अब धीरे धीरे पावर प्लांट्स वगैरह बढ़ गए हैं तो अब ठीक है। अच्छा, 350/1000 किलो वॉट आ गया और ये आवर्स हो गया। फिर आप ना, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ई कितना हो गया, पी इंटू टी। ठीक है, P इंटू टी, अब P कितना है, 350/1000 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है, 300। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो हाँ, तो 3 × 35, 3 × 5 = 15, 1 कैरी, 3 × 3 = 9, और 105 क्या किलो वॉट, क्या किलो वॉट आर होता है। ठीक है, बरार नहीं है, याद रखना, कई बार ना जल्दीबाजी में गलती से मुंह से निकल जाता है, तो किलोवाट आर ही याद रखना। ठीक है, अच्छा, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आर। पर किलोवाट आर का मतलब 1 किलोवाट आर की कॉस्ट है ₹3.40, तो 105 किलोवाट आर की कॉस्ट कितनी, मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू ₹3.40, तो कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आर इज इक्वल टू ₹3.40 × 105, तो पॉइंट गया नीचे आ गया 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 34 × 105 करो पहले, तो 4 × 5 = 22 कैरी आ गया, 4 × 0 = 0 और 2 2, 4 × 1 = 4, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, कितना सही में, अच्छा, 3 × 5 = 0/10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ₹357। बताइए जी, क्लियर है, आएगा बता तो रहा हूँ पुराने जमाने की बात, अब थोड़ा महंगा हो गया। चलो ठीक है, जो भी है। हाँ पहले, अच्छा कॉस्ट भी तो देख लो ना, ये देखो ना, एक तीन 3 रुपए 40 पैसे, रुपए 6 नहीं 7 रुपए और की, अब तो बहुत महंगा है। हाँ नहीं, डीजी पर तो 10 रुपए लेते हैं। हाँ इधर तो बड़ा ज्यादा महंगा कर रखा है। बताओ भाई, क्लियर है, आदित्य, अर्णव, ऐश्वर्या, ठीक सर। है, यस सर। चलिए जी अगला देखते हैं। अ बल्ब इज रेटेड एट 300 आवर्स, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, 100 वॉट, अगर 24 घंटे चले तो इतना। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, 100 वॉट, फुल स्टॉप।
व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस? व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस? फाइव सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स. Burn for 4 hours. Full stop. What is the electrical energy consumed? Question mark. Calculate the cost if the rate is. If the rate is rupees 4.60 per unit. रुपीज 4.60 पर यूनिट का मतलब क्या है कि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है रुपीज 4.60. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं कि बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट. ये वोल्टेज दे दिया, ये पावर दे दिया. व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस निकाल लेंगे. वी और आर दे रखा है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. पावर है, वोल्टेज है, रेसिस्टेंस निकाल लेंगे. फाइव सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स. ऐसे 5 बल्ब्स हैं जो 4 घंटे तक चलते रहते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है. ठीक है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, सॉरी नहीं नहीं 5 से करेंगे ना. इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे वो तो 4 आवर्स के लिए निकालेंगे एक बल्ब की. भाई मेरे पास पावर तो है ना, एक बल्ब की पावर है 100 वॉट, तो पावर हो गया और टाइम हो गया, तो मैं एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लूंगा एनर्जी इंटू टाइम करके. फिर उसको 5 ऐसे बल्ब्स हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. वॉट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड? फिर हम ये, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो पता चल गई, और फिर 1 किलोवाट आवर है तो उसकी तो 4.60 है, तो जितना आएगा उसकी कितनी मल्टीप्लाई करके निकाल देना. इतना करिए. अच्छा, क्लास आपकी कल भी होगी? सुबह नहीं, सुबह नहीं, इसी टाइम रख लेते हैं, इसी टाइम रख लेते हैं सुबह. वो मैंने कल कई बार ना करके देखा है, जो ये सर्दियों का टाइम है सुबह की क्लास रखते हैं, सुबह कोई आता ही नहीं, सब सोते ही रहते हैं. नहीं, तुम लोग तो आ गए थे खैर, लेकिन बाकी बच्चे हैं ना, नहीं आते. चलिए जी, आज साइंस की होगी या मैथ्स की? कल मैथ्स की होगी. ओके, एक एक मिनट आपका साइंस की या मैथ्स की, चलो मैं देख लूंगा. साइंस या मैथ्स की जो भी होगी ना, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, देख लेना. ओके सर. सर अगर साइंस की रखेंगे तो प्लीज 4 o'clock रखिएगा, क्योंकि हमारी कल मैथ्स की क्लास भी है 2:30. ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Namaste, sir. Thank you. Okay, namaste. Namaste.